गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फेस किया, यानी प्रेजेंट टेंस को फिनिश कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं हम लोग। इसमें डिड आता है, तो तीन प्रकार के सेंटेंस को इसमें हम देखेंगे। पहले अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ओके, निगेटिव में सब्जेक्ट इस्तेमाल का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, इसमें डिड आ जाएगा। और जब डिड आएगा तो वर्ब हमारा किसके हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव डिड स्टार्ट में होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये सेकंड टाइप में देखें, डब्ल्यू एच मीन्स क्वेश्चन वर्ड, डेट सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में। ओके, तो एग्जांपल लेकर के हम तीनों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। फोर्थ वाला भी, थर्ड वाला भी, इसका थर्ड टाइप का भी देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ जो नाउन आता है वो, इसके बाद डिड होगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर फॉर्म का हो गया। अब हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले ये स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे अफर्मेटिव के लिए। मैंने पुस्तक खरीदा, ये देखिए मैंने पुस्तक खरीदा। अब यहाँ पे मैंने पुस्तक खरीदा है अगर रहता तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट पे चला जाता है, नहीं है तो ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। या इससे रहता मैंने मैं पुस्तक खरीदता था, मैं पुस्तक खरीदता था, दोनों सेम थिंग्स है। ये ऐसे रहे या मैं पुस्तक खरीदता था, ये दोनों सेम थिंग है, दोनों का जो है ट्रांसलेशन सेम होगा।
ट्रांसलेट करके देखते हैं, सब्जेक्ट दोनों में मैंने या मैं आई लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखते हैं, वर्ब क्या है इसमें खरीदना, तो क्या होगा बाय बॉट बॉट होगा आई बॉट बुक, आई बॉट बुक सेकेंड फॉर्म आएगा इतना है। ये दोनों के लिए ये ट्रांसलेशन होगा। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर का हम लोग बना लिए, अब सेकेंड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर नेगेटिव का है हमारा, वे मंदिर गए, मैंने कहा वे मंदिर गए, क्या हो जाएगा दे। अच्छा निगेटिव वाला बना रहा है ना, वे मंदिर नहीं गए कर देते हैं, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है गए हैं रहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा सब कुछ, गए रहेगा तो फिर निपुण में चलेंगे, दे सब्जेक्ट के लिए दे हम रखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे डीड आ गया है निगेटिव है तो डीड रहेगा इस सेक्शन में थोड़ा, ये अगर निगेटिव है तो नॉट रहना चाहिए यहाँ पे, सॉरी नॉट तो दे, अब यहाँ पे डिड नॉट आएगा, डिड नॉट, अब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी गो टेम्पल, ये निगेटिव ठीक है। अब जो ये होगा देखना है इंट्रोगेटिव का, तो पहला स्टेप देखेंगे हम, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ही हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, ये वर्ड आता है क्या, ये रहेगा ये रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए स्ट्रक्चर है। क्या आप खाना खा लिए, क्या आप खाना खा लिए, तो स्टार्टिंग में डिड लगेंगे, जो ये क्या वर्ड है इसके लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा आप यानी यू, डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा डिड यू टेक, ऑब्जेक्ट है फूड हमारा डिड यू टेक फूड, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का ठीक है। सेकंड टाइप देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है फिर तुम्हारा भाई कहाँ चला गया, सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग रखना है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है इधर है, इसको हमें स्टार्टिंग में लाना है, इसकी इंग्लिश क्या होती है वेयर होती है,
वेयर, इसके बाद डी, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू ब्रदर, तुम्हारा भाई, क्या लिखेंगे, वेयर डिड यू, योर ब्रदर, वेयर डिड योर ब्रदर। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, तो इतना ही रहेगा, वेयर डिड योर ब्रदर गो, तुम्हारे भाई कहाँ गया या कहाँ चला गया, ठीक है, ये सेकंड टाइप कर रहा है। अब लास्ट में थर्ड टाइप का एग्जांपल एक देते हैं, ये रहा, उसने उसने कौन सी पुस्तक खरीद ली या खरीद लिया, ओके तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, ये है कौन सी, कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, विच, कौन सी, कौन सी, कौन सी पुस्तक खरीद लिया, तो क्वेश्चन वर्ड को हमें स्टार्टिंग में रखना है, क्वेश्चन वर्ड कौन सी अंग्रेजी क्या होती है, विच होती है, तो विच को हमें स्टार्टिंग में रखना है, विच, और इसके बाद ये हमारे स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसके बाद नाउन वर्ड जो आएगा जो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ रहता है हमेशा, तो कौन सी के साथ क्या है, ये पुस्तक, इसको भी हमें साथ में, तो विच बुक, विच बुक, इसके बाद डेट रखना है तो डेट रखेंगे, This book did, के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, उसने means he, this book did he, अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, this book did he by बस, दिस बुक की डी बाई, उसने कौन सी पुस्तक खरीदा या खरीद लिया, खरीदा या खरीद लिया दोनों एक ही चीज है, खरीदा कहें या खरीद लिया कहें, तो स्टूडेंट ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लास में हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, इसलिए रिवीजन के लिए ये शॉर्ट में मैंने बता दिया है, तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको समझा देंगे, बड़ा दिन हो गया, कुछ जानना चाहिए ना।